हेलो फ्रेंड्स मैं अवनीश दुबे मारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नर्मदा नदी पार्ट थ्री लेकर आया हूँ जैसे कि आपने देखा हमारे पिछले वीडियो में हमने नर्मदा नदी के बारे में उसका उद्गम लंबाई और उसका प्रवाह क्षेत्र देखा साथ ही साथ सांत हमने देखा कि उसके प्रवाह की दिशा क्या है उसकी सहायक नदियों के नाम और साथ ही साथ सांत उसकी नर्मदा नदी के उपनाम ठीक है तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आज हम नर्मदा नदी के जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो हम इन जलप्रपातों को सबसे पहले मैप पे देखेंगे कि मैप पे ये जलप्रपात कहाँ कहाँ पर स्थित हैं तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम अमरकंटक में जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम है वहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा नर्मदा की प्रवाह की दिशा है पूर्व से पश्चिम तो जब अमरकंटक से नर्मदा उद्गम के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ करती है तो सबसे पहले हमें जो जलप्रपात मिलेगा वो मिलेगा कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों ऐसा कहा जाता है कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी इसी वजह से इसका नाम कपिल धारा जलप्रपात रखा गया है यह अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल से आठ किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर बताई जाती है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये एक आपके लिए जलप्रपात कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है नर्मदा पर कहाँ पर है तो अमरकंटक में और इसके बाद जो दूसरा अमरकंटक में जलप्रपात है नर्मदा पर ही वो है दुग्ध धारा जलप्रपात ठीक है तो यह कपिल धारा से नौ किलोमीटर दूर है दुग्ध धारा जलप्रपात तो आप देखें दो जलप्रपात नर्मदा नदी पर तो आपको कहाँ मिल जाते हैं अमरकंटक में ही मिल जाते हैं फिर नर्मदा नदी वहाँ से आगे बहते हुए अनूपपुर डिंडोरी मंडला और जबलपुर ज़िले में आती है नर्मदा नदी पर जबलपुर ज़िले में जबलपुर ज़िले से कुछ दूरी पर स्थित भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार दोस्तों ये जलप्रपात बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और यह संगमरमर की वादियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है चूँकि इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है और इस समय तक नर्मदा नदी में जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जब जल नीचे गिर रहा होता है तो एकदम दूध की तरह आपको झाग दिखाई देता है इसी वजह से इसका नाम एकदम धुआंधार जलप्रपात रख दिया गया है तो आपको याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है इसकी ऊंचाई कितनी है 18 मीटर यह संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है ठीक है तो एग्ज़ाम में इस तरीके से कई बार क्वेश्चन किए गए हैं कि कौन सा जलप्रपात है जो संगमरमर की वादियों के लिए प्रसिद्ध है तो धुआंधार जलप्रपात किस जिले में है जबलपुर में है किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है और इसकी हाइट कितनी है तो 18 मीटर है ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगले जो जलप्रपात हैं दोस्तों वो आपको मिलेंगे मंदार और दर्दी मंदार और दर्दी जलप्रपात खंडवा ज़िले में बड़वा और हंडिया के बीच में आते हैं मंदार और दर्दी जलप्रपात फिर इसके बाद एक और जलप्रपात है दोस्तों जो कि आपके महेश्वर में है इसका नाम है सहस्त्र धारा जलप्रपात ठीक है ना तो ये कहाँ पर है महेश्वर में खरगोन जिले के अंतर्गत आएगा सहस्त्र धारा जलप्रपात जो कि महेश्वर के पास है याद रखना है आपको तो ध्यान दीजिएगा मैंने आपको कौन कौन से जलप्रपात बताए हैं नर्मदा नदी पर तो बड़े महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं एक बार और आप इसको मैप पर भी देख लीजिए मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले यदि हम मैप पर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे दो जलप्रपात अमरकंटक में कपिल धारा और दुग्ध धारा फिर एक जबलपुर में मिल जाएगा धुआंधार, धुआंधार की हाइट आपको याद रखनी है अठारह मीटर फिर आपको मंदार और दर्दी और फिर मैंने महेश्वर में बताया सहस्त्र धारा जलप्रपात सहस्त्र धारा जलप्रपात पे लिखा नहीं है दोस्तों आप उसको ऐड कर लीजिएगा सहस्त्र धारा जलप्रपात ठीक है तो इसे आप ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जलप्रपात पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट हमको देखना है इसमें नर्मदा पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों नदी परियोजनाएं हैं नदी परियोजनाएं है, दो, दो प्रकार से होती हैं एक होती है सिंचाई परियोजना एक होती है विद्युत परियोजना और फिर कुछ परियोजनाएं होती हैं जो बहुउद्देशीय होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ होता है जिनसे बिजली भी बनाई जाएगी सिंचाई भी की जाएगी और पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा तो नर्मदा पर अनेक परियोजनाएं स्थित हैं जिन इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बहुत सारे डैम भी बनाए गए हैं तो हम कुछ बड़े डैम जो बनाए गए हैं नर्मदा नदी पर वो देखते हैं कौन कौन से डैम हैं तो एक बार फिर आप मैप पे ही ध्यान दीजिएगा मैं मैप में आपको बता देता हूँ ताकि आप भूलें ना तो जो नर्मदा नदी जब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों मैं ये पूर्व से पश्चिम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब एस आई का एग्जाम हुआ तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आए कि नर्मदा की प्रवाह की दिशा में कौन सा डैम पहले पड़ता है फिर उसके बाद कौन पड़ता है इस तरीके से क्रम दे दिया था तो आपको ये क्रम मैप में ठीक तरीके से ध्यान रहे और ऐसा कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की प्रवाह की दिशा में जो बड़ा डैम मिलता है नर्मदा नदी पर वो है बरगी बांध और ये बरगी बांध किस ज़िले में बना हुआ है नर्मदा पर तो जबलपुर में बना हुआ है अच्छा अब ये बांध बना हुआ है तो ये किस परियोजना के तहत बनाया गया है तो यह बांध रानी अवंती बाई सागर परियोजना के तहत बनाया गया है ठीक है ना कौन सी परियोजना है तो रानी अवंती बाई सागर सिंचाई परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर जबलपुर ज़िले में बरगी बांध बनाया गया है इस बांध का कैचमेंट एरिया पूरा मंडला ज़िला आता है है ना जल संग्रहण क्षेत्र मंडला ज़िले तक पहुंच जाता है परंतु जो डैम बना है वो जबलपुरम बना है ये आपको ध्यान रखना है फिर इसके बाद हम यदि आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं खंडवा और खंडवा में जो पुनासा है खंडवा में पुनासा है वहाँ पर इंदिरा गांधी सागर परियोजना के तहत इंदिरा गांधी डैम बनाया गया है कौन सा डैम बनाया गया है इंदिरा गांधी डैम बनाया गया है दोस्तों इस डैम की विशेषता ये है कि यह मध्य प्रदेश में नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ा बांध है ध्यान दीजिएगा मैंने बोला यह मध्य प्रदेश में नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ा बांध है अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे कि नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ा बांध या परियोजना कौन सी है तब आपको आंसर इंदिरा गांधी बांध नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ा बांध या परियोजना है सरदार सरोवर बांध जो कि कहाँ पर है आपके गुजरात में है ठीक है ना लेकिन सरदार सरोवर बांध एमपी में नहीं है इसलिए जब पूछेंगे कि एमपी में नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना तब आपको आंसर करना है इंदिरा गांधी परियोजना क्लियर है बात इंदिरा गांधी परियोजना या इंदिरा गांधी बांध से एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है दोस्तों जो मैं लिंक में पीडीएफ शेयर करूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी क्लियर है कि कितने मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है किस डैम से चलिए अब इंदिरा गांधी बांध के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो खंडवा जिले में ही ओमकारेश्वर बांध है कौन सा बांध है ओमकारेश्वर बांध है तो किस जिले में ओमकारेश्वर बांध खंडवा जिले में है आपको ध्यान रखना है इस बात को ओमकारेश्वर बांध के निकट ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है स्थित है फिर इसके बाद जब हम और आगे ओमकारेश्वर आँग से नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो खरगोन जिले में स्थित है कौन सा डैम महेश्वर डैम तो आपको ये भी याद रखना है तो आप देखें यदि हमने देखा कि नर्मदा पर मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम हैं तो सबसे पहले परगी बांध किस परियोजना के तहत है रानी अवंतीबाई सागर सिंचाई परियोजना फिर है इंदिरा गांधी सागर परियोजना जिसके तहत तीन बांध बनाए गए हैं जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी बांध कहाँ पर है ये पुनासम है अब ध्यान दीजिएगा एक और फैक्ट मैं इसमें बता देता हूँ जो इंदिरा गांधी बांध बनाया गया दोस्तों इसी बांध के पानी से एक खंडवा का गांव डूब क्षेत्र में आ गया था हरसूद ठीक है ना इसी गांव में देश का पहला जल सत्याग्रह किया गया था ठीक है ना हालांकि मैं इसकी डिटेल आपको परियोजनाएं पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको इनकी डिटेल बता दूंगा बट अभी इतना ध्यान रखिएगा फिर ओंकारेश्वर वान और महेश्वर वान फिर इसके बाद जब नर्मदा नदी आगे बहती है तो गुजरात पहुँचती है और गुजरात में जिला है नर्मदा ज़िला ठीक है वहाँ का एक ज़िला ही है नर्मदा ज़िला इस नर्मदा ज़िले में भारत का सबसे बड़ा बांध ठीक है दोस्तों क्या ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में नर्मदा जिले में ठीक है अब इसी बांध के पानी से निर्मित एक टापू निर्मित हुआ है जिसका नाम है साधु बट क्या नाम है इसका साधु बट और इस साधु बट द्वीप पर ही स्थित है भारत की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है तो ये भी याद रखना है आपको किस बांध के पानी से निर्मित टापू है तो सरदार सरोवर बांध के पानी से निर्मित टापू है यह सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर स्थित एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसके में राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों की हिस्सेदारी है इसके बाद नदी आगे बहती है भड़ौच पहुंचती है और भड़ौच के निकट एश्चुरी बनाते हुए ध्यान दी तो हमने देखा नर्मदा नदी खम्मात की खाड़ी में एश्चुरी बनाकर गिरती है दोस्तों आज के लिए धन्यवाद और अगला वीडियो एक वीडियो और मैं इसमें बनाऊंगा जिसमें आपको नर्मदा के बारे में कुछ समसामायिक विषयों पर और नर्मदा से रिलेटेड और अन्य प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें थैंक यू सो मच धन्यवाद